व्हाट्सअप गाइस, स्वागत आप लोगों का हमारी सीरीज की दूसरी वीडियो में। आज होने वाला है चेस्ट वर्कआउट, क्योंकि अभी अभी मैंने पंप मारी है तो मैंने सोचा आप लोग भी देख लोगे कि बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी होती है चेस्ट की, जो हमेशा मुकेश सर मेरे को बताते हैं। लेकिन कंफ्यूज रहते हैं वो, कभी कोई एक्सरसाइज कभी कोई एक्सरसाइज, किसी किसी को देख कर चेंज करते रहते हैं। उनके लिए बेस्ट जो 5 एक्सरसाइज सब पे काम करेंगे वो वाली 5 एक्सरसाइज आपको बता रहे हैं। एक बेसिक होता है ना, बेसिक तो ये बेसिक है कि जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तो सर और करने का कोई रिजल्ट देगा ही देगा हर एक को, वो 5 एक्सरसाइज। तो कहाँ से स्टार्ट करें सर? फ्लैट बेंच से ही करेंगे। फ्लैट बेंच से? और देखो हमारे दो एथलीट 150-160 की बेंच लगाते हैं, वो भी खाली बार से शुरू करते हैं। जो 50-60 किलो लगाते हैं तो वो भी खाली बार से शुरू करते हैं। पहला सेट खाली बार से लेने का पर्पज ये है कि आपको अपना मूवमेंट समझ में आ जाए, मुझे कहाँ से बार पकड़ना है, कहाँ लेके आना है, कितना स्पीड पे नीचे लेके आएंगे, कैसे पुश करना है, आप पोस्चर को पकड़ लेते हैं, इसलिए खाली बार से जरूरी है। रैप्स और सेट कितने होने वाले हैं सर, अप्रोक्स एक आइडिया? ये हमारा जो वर्किंग सेट होंगे ना उसमें हम लगाएंगे अपने फेलियर रैप पे जाएंगे 8 से 12 रैप। 8 से 12, ठीक है। उससे पहले के जो सेट जो वार्म अप सेट है उसमें हम 6-6 रैप लगाएंगे, वहाँ ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। और सेट हमारे चार सेट 8 से 12 रेपिटेशन। सर ये जो हमारे हाथों की रेंज है वो कई लोग तो वाइड पकड़ते हैं और कई लोग थोड़ा क्लोज पकड़ते हैं, और एक ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। जिसको लेके आप जो नीचे आते हैं ना चेस्ट पे टच करती बार, हाँ नीचे लेके आओ, अब आपका ये 90 डिग्री बनना चाहिए एंगल, ना तो बाहर की साइड खुले ना अंदर की साइड जाओ, अब ये सही है, सीधा है आपका फोर है, तो ये हर एक के लिए ठीक है ये स्टांस। और खाली बार को भी ऐसे ही करना है जैसे आप अपना मैक्सिमम वेट पे हो उसी फील्ड के साथ, ये नहीं कि बार खाली तो ऐसे लगा लगा के रख दिया बस, ये नहीं, उसी जैसे आप हैवी लगाएंगे उसी पेस के साथ बस। और अगला जो भी आपको पार्ट की वीडियो बनवानी है, सबसे ज्यादा कमेंट आए थे चेस्ट के, तो मैंने सोचा चेस्ट की वीडियो बनाते अगली। इसमें 12 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रख दो। देखो अगर गलती से आपने अपने वर्किंग सेट में लोड गलत चूज कर लिया, जैसे ये 60 kg हमने मान लिया वर्किंग सेट है, 12 रैप के अंदर हमारा मसल फेल नहीं हुआ, तो या तो हम इस सेट को कैंसिल करेंगे या फिर जहाँ तक ये सेट जाएगा आखिरी रैप तक लेके जाएंगे, और फिर 20 रैप आए 22 आए अगले सेट में बढ़ा लेंगे। अब मसल पता लग गया ये सेट में 12 से 14 रैप से ऊपर आ रहे हैं, अब तो हम वेट बढ़ा लेंगे। अब मेरी स्ट्रेंथ थोड़ी इंक्रीज होगी है ना, तो मेरे को ये हल्का लगता है, तो आप उतना लेके जाए सर, आप बोलना चाह रहे हो? याद है जब ये रोहित आया था पहली ट्रेनिंग हमने चेस्ट की करी थी 70 kg के, हाँ हमारे 7 रैप आए थे, अब मेरे से इजीली लग जाता है, ट्रेनिंग ऑन ऑफ करता रहता है, अब ये कंसिस्टेंटली ट्रेनिंग कर रहा है, सीजन और ऑफ सीजन ट्रेनिंग में नहीं करता, सिर्फ डाइट में कर लेता है। डाइट भी सर अब ठीक कर दी, 20 और लगा लो 100 kg जितने भी आएंगे, चल 1 2 3 4 5 शाबाश चल 6 और लास्ट बस। ये मेरा सेट कम से कम ये लगा लो, मैंने कई एक्सरसाइज कर चुके हैं, हाँ, थोड़ी सी तो इसने पहले ट्रेनिंग करके, हाँ तब आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया है कि होगा सर थोड़ी चेस्ट पंप दिखेगी ना, तो चेस्ट लेकिन की कभी ऐसा हो कि आप किसी सेट में 6-7 रैप भी आते तो अब आपने लोड नहीं बढ़ाना, कई बार आप क्या करते हैं इसके बाद भी और बढ़ा देते हो, हाँ। 1-2 रैप सेल्फ लगाओगे और फिर हेल्प जो हेल्पर खड़ा हुआ वो तो पावर लिफ्टिंग होगी सर, उसके जान ले लेते हो। और वर्कआउट पार्ट आप कोई भी ट्रेन करो बट उसके लिए रिकवरी का भी होना बहुत जरूरी है, और रिकवरी के लिए प्रोटीन आफ्टर वर्कआउट सबसे बेस्ट सप्लीमेंट है। आफ्टर वर्कआउट बिग मसल्स न्यूट्रिशन का प्रीमियम गोल्ड वे, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन एक अच्छे प्राइस में। इसके एक स्कूप में आपको मिलता है 25 ग्राम प्रोटीन, 11 ग्राम EAA प्रो हाइड्रोलेज एंजाइम के साथ, जो आपके डाइजेशन में भी कोई भी दिक्कत नहीं करेगा। ये इन्फोर्म चॉइस से सर्टिफाइड है, साथ साथ इसमें ये सील आती है जहां पर आप इसको स्कैन करके ट्रस्ट सील को, इनकी लैब टेस्ट रिपोर्ट को भी चेक कर सकते हो। ये है मेरा फेवरेट फ्लेवर बेल्जियन चॉकलेट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर लेना। तो पहली एक्सरसाइज थी ये सर, दूसरी वाली सेकंड फिर हम करेंगे इंक्लाइन बेंच। ये हमारी कहाँ काम करती है, अपर पे पूरा, ये अपर पे जिसको अपर हिस्सा स्ट्रॉन्ग करना हो, हाँ। तो भाई जिसको टी शर्ट पहन, देखो टी शर्ट यहाँ तक आती है, और ये वाजी दिखानी हो थोड़ी लाइन वाइन,
तो ये ज्यादा मारा करो। ये आपका जो शोल्डर है और चेस्ट है ये एक लेवल में रहेगा ना तो बहुत जबरदस्त लगेगा स्टील में। अगर यहाँ दबा हुआ चेस्ट आपका कोई भी आपको इंक्लाइन प्रेशर और चाहिए चाहिए। मेरी भी चेस्ट थोड़ी क्या बहुत ज्यादा अभी भी वीक है बट पहले से थोड़ी सी उभरी है यहाँ से, तो सबसे ज्यादा मैं यही लगाता हूँ आते ही। चलो ये इस तरह का रैप आना ही चाहिए। जब आपको लगेगी मैं और रैप सेल्फ नहीं लगा पाऊंगा वहां पे छोड़ना। और सर एक सपोर्टर का होना भी जरूरी है। वो इसके लिए है कि या तो आप एक दो एक्स्ट्रा रैप लगाना चाहें अपने रैप पूरे करके, या फिर कभी बाई चांस आपका वेट नहीं उठ पाया, आप नीचे रखे नीचे ही रह गया नहीं उठा पाए, तो उस टाइम के लिए। और सर इसमें जैसे चेस्ट में हमेशा किस पार्ट पे थोड़ा टच होनी चाहिए बार, कोई होता है यहाँ ऊपर? ठीक है तो ये देख लिया करो। तो ये हमारी दूसरी एक्सरसाइज, बाकी कोई क्वेश्चन हो तो बता देना, नेक्स्ट पार्ट की वीडियो बता देना कमेंट में। और थैंक यू के लिए सब्सक्राइब कर दो भाई। देखो मुकेश सर को ला रहा हूँ स्पेशल, एक आपको किसको बोलते मोर देन पर्सनल ट्रेनिंग मिल रही है आपको। तीसरी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं चेस्ट फ्लाइन इंक्लाइन पर। तो सर जैसे हमारी प्रेस की एक्सरसाइज तो हमारी बेसिकली साइज के लिए होती है, तो फ्लाई में क्या डिफरेंस आता है? ये जो मूवमेंट है ना ऐसे पुल करने का, हाँ हाँ, एक तो ये प्रेसिंग मूवमेंट, हाँ ये कंपाउंड मूवमेंट है, हाँ इसमें आपका ट्राइसेप भी जोर लगाएगा, आपका डेल्टा भी और चेस्ट तीनों मिल के वेट उठाते हैं। ये जो सिर्फ चेस्ट का मसल काम कर रहा है, खींचेगा पूरा, हाँ। तो मसल को या तो आप कभी सुपर सेट लगा दे तब फ्लाइज या केबल क्रॉस कर सकते हैं किसी कंपाउंड मूवमेंट के साथ, या आपने अकेले भी करना है मसल को, हमने जैसे फ्लैट कर लिया इंक्लाइन बेंच कर लिया, हाँ। हमारा ट्राइसेप टायर्ड हो जाता है, हाँ। अब हम और एक्सरसाइज भी एकदम से लोड नहीं ले पाएंगे ज़्यादा, तो चेस्ट हमारा पंप ही रहे, इसको और इसको रेस्ट मिल जाए, तो सिर्फ ये काम करें तो फ्लाई उसके लिए। ये सारे क्वेश्चन है जो पूछते हैं ना, पिछली बार एक ने पूछा कि भाई अगर मैं ज्यादा फ्लाई मारूं तो क्या मेरी चेस्ट में ज्यादा टाइटनेस आ जाएगी? नहीं नहीं, वो आपकी ओवरऑल एक्सरसाइज से आएगी, जब आपका स्किन पतला हो जाएगा फैट कम हो जाएगा तो मसल तो हमेशा टाइट ही होता है, लूज क्या होता है फैट होता है आपका, उसी को हटाना होता है और वो हटेगा डाइट से और वर्कआउट से और अच्छी रेस्ट से, अच्छी स्लीप से, अच्छे सप्लीमेंट से, बहुत सारी चीजों से। लगाओ बार बार इसमें आपको चेस्ट पे कॉन्ट्रैक्शन भी ज्यादा मिलेगा, आपके इनर चेस्ट पे थोड़ा सा ज्यादा इफेक्ट आएगा। चल चल लगाओ, चार रैप और लगा दे। ट्रेनिंग इसने कर ली है लेकिन सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कहाँ सेट फिनिश होता है, इसके लिए दोबारा सेट लगवाया है एक बस। तो जब हम फ्लाई करते हैं सर, हाँ, तो इसमें हमारी कोनी हल्की सी बैंड होनी चाहिए ना, ये बैंड रहेगी और ये फिक्स रहेगी सर, हाँ ये हिस्सा फिक्स रहेगा, ये नहीं कभी ये चलेगी नहीं, ये करते हैं ना कहीं, हाँ ये तो नीचे जाएंगे तो बिल्कुल बैंड कर लेते हैं फिर ऊपर आएंगे सीधा कर लेते हैं, ये गलत है, ये फॉर्म ऐसी रहनी चाहिए आपको, मेंटेन रखना है। ये देखो चेस्ट, फिर सिर्फ चेस्ट पे काम करेंगे, हाँ। देखो कंपाउंड हम करते हैं, जैसे बेंच प्रेस मार ली, इंक्लाइन डिक्लाइन मार ली आपने, तो एक टाइम पे ना थक जाता है इंसान, लिमिट होती है हर की चीज की, तो ये छोटे मसल है ना, हाँ ये जल्दी डाइट कर जाएंगे, ये बड़ा मसल ये अभी थका नहीं है। और आज मैंने उसकी हैनी रैम्बोर्ड की वो देख रहा था एक वीडियो चेस्ट की, तो बता रहा था हमेशा अपने ट्राइसेप्स को भी अच्छा रखो, हाँ। अगर चेस्ट अच्छी रखनी है क्योंकि थक जाता है, जिसके शोल्डर और ट्राइसेप में स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वो बेंच ज्यादा उठा पाएगा, यस बात समझे। तो चेस्ट भी देख लो कितना सारा कनेक्शन होता है, बिल्कुल चेस्ट की ग्रोथ के लिए भी शोल्डर ट्राइसेप अच्छे होने चाहिए आपके, उसकी भी वीडियो बनाएंगे, टेंशन मत लो। तभी कंपाउंड मूवमेंट बोलते हैं ना बॉडी बिल्डिंग के लिए, कंपाउंड मूवमेंट बेस्ट है, वो कारण यही है कि आप एक्सरसाइज तो एक करते हैं लेकिन आपकी तीन मसल ट्रेन हो गए। ये थी सर एक्सरसाइज नंबर थर्ड, अब फोर्थ एक्सरसाइज हम करेंगे। देखो डिक्लाइन बेंच हर जिम में नहीं होता, मैंने बहुत जिम देखे जहाँ डिक्लाइन बेंच नहीं होता सर,
कई बार जम्मू में नहीं होता, तो लेटर ऑन कभी आप अपने शेड्यूल में ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक मूवमेंट से बाद हम बात कर रहे हैं, अब करेंगे हम पुशअप्स, थोड़ा सा लेग्स को ऊपर रख के ताकि हमारा इस पर लोड ज़्यादा रहे, रहेगा तो ओवरऑल भाई हम चेस्ट में आइसोलेट कभी नहीं कर सकते अपर लोअर मिडिल को, लेकिन थोड़ा सा लोड शिफ्ट कर जाता है। जो आप लोग वार्म अप के लिए पुशअप्स लगाते हैं ना आते ही 50-50, उस पुशअप्स को सर जब हम एक्सरसाइज में इंक्लूड करेंगे, पुशअप लगाई थका लिया तो बेंच प्रेस कौन लगाएगा सर, समझे? तो 5-10 ठीक है, पर ये नहीं है कि आप 5 सेट मार रहे हो 20-25-30 के, नहीं वो तो बस आपने जस्ट स्टार्ट लेने के लिए 5-10 रैप आपने लगा दी 3 सेट, अदरवाइज अब आप करो फेलियर। हाँ, अब देखो, अब मैं पुशअप्स करने जाऊंगा, जब मैं आता हूँ वर्कआउट करने तो मैं इजिली 50 पुशअप्स मार सकता हूँ या ज्यादा ही मार दूंगा, बट अब इतना थक चुकी है ना चेस्ट, तो बॉडी वेट एक्सरसाइज भी इतना काम करेगी सर। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए हम पुशअप्स मार रहे हैं। ब्लॉक पैर रख ले, तो ये है ब्लॉक, आप जिम में कहीं भी पैर रख लेना अपना थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, हल्का सा, और मूवमेंट वही कंट्रोल में रखेंगे अपना, लगाओ 15-20 रैप जितने भी आए। हल्का सा कमर ऊपर रख, हाँ चल, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो देखो कितना फर्क है, 13 रैप में असल में हमारा फेल हो गया। पंप भी देखो ना कैसा आ रहा है मेरे को सर, कोई और एक्सरसाइज कभी समझ में नहीं आती, मतलब बहुत तरीके की लोग करते हैं एक्सरसाइज, जैसे फ्लाई करेंगे यहाँ लगा के बेंच गियर के ये, तो जैसे सर ने बोला स्टार्टिंग में करो कुछ भी, बट आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए। बिगिनर्स को मैं बोलता हूँ 2-3 साल अपने बेसिक्स पे काम करें, मसल जल्दी डेवलप करना, उससे सर माइंड मसल भी अच्छा बन जाता है। एक्सरसाइज है, मैं उठपटांग तो नहीं बोल रहा लेकिन वो बिगिनर्स के लिए उठपटांग ही है। और सर हमारा रेस्ट टाइम क्या होगा इसमें? वैसे तो देखो 2 मिनट के पास आसपास आइडियल कंपाउंड मूवमेंट्स में, 1 मिनट आइसोलेशन मूवमेंट्स में, लेकिन स्टिल रिकवरी रेट सबका अलग अलग है। हाँ, ये हमें खुद में फील हो जाता है कि हाँ मैं नेक्स्ट सेट के लिए रेडी हूँ, मतलब आप खुद एनालाइज करो कि आप कब दोबारा से 8-12 रेपिटेशन निकाल सकते हो। लेकिन कई बार होता है क्या, हम और चीज़ें बोल जाते हैं क्या, तो बात करने लग गए किसी से या मोबाइल में चले गए तो वो रेस्ट का पता नहीं लगता, इसलिए आपकी ट्रेनिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है और सर वो यहाँ टूट जाता है। बिल्कुल, 3, 4, 12 लगा दें, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और लगा दे 3, बस ठीक है, ट्राइसेप्स भर गया। हाँ, तो ये था हमारी चौथी एक्सरसाइज, अब करते हैं लास्ट फिनिश, किस चीज़ से करें सर? पुल ओवर एक ऐसी एक्सरसाइज जिसको आप चेस्ट के साथ भी कर सकते हो और बैक के साथ भी कर सकते हो। पुल ओवर है ना, ओल्ड स्कूल जिम जब मैं देखता हूँ ना बाहर के फॉरेनर्स के, तो उनके पास एक एक्सरसाइज होती है, वो ऐसे पकड़ के सर और वो ऐसे लाते हैं, आजकल तो है नहीं कहीं पर, यहाँ मैंने देखी भी नहीं, तो उसके हम अल्टरनेट पुल ओवर लगा, पर हमारे इंडिया में उसका जुगाड़ है लगा के पुल ओवर। अच्छी एक्सरसाइज है आपका, जो ये सेरेटस मसल होते हैं ना उसको और चेस्ट के उसको क्लियर करने के लिए, और आपका रिब केज को भी प्रॉपर एक फ्रेम देने के लिए पुल ओवर अच्छी एक्सरसाइज है। और सर वो भी बताओ ना, जैसे हम पुल ओवर लगाते हैं तो ऐसे घुटनों पे बैठ नहीं जाते ताकि सरके ना, वो भी कर सकते हो आप, कि कई बार क्या होता है पैर उठते हो, हाँ किसी के पैर उठते हैं तो घुटनों पे बिठा लिया करो, किसी के ऐसे पैर वैर उठते हो ना ज्यादा वेट में तो बैठा सकते हो घुटनों पे, ऐसे बैठा लो फिर आप वेट को जाने दो पीछे में, लगा दे 8, 5, 6, 7 लास्ट रैप, आपके पैर उठने की कोशिश करते हैं और आपका आधा दिमाग वही रहता है। हाँ, उठ रहे हैं तो इसलिए यहाँ आपने फिक्स कर दिया, अब आपका पूरा ध्यान अपने मसल पे जहाँ पे आप ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब सर कोई फाइनल गोल्डन टिप चेस्ट को लेकर? नहीं, एक तो शेड्यूल को लेके ही है, आप हर रोज बदलने की कोशिश ना करें, अब जैसे आज शेड्यूल आपको ये दिया है बेसिक है लेकिन बहुत इफेक्टिव भी है, इसको कम से कम 12 वीक
आप सिंसियरली करें इस 12 वीक में, आपकी स्ट्रेंथ भी रेगुलर पुश करते रहें, रेपिटेशन भी पुश करते रहें। आज आप 60 किलो की अगर 12 रैप लगा दें ना, तो 12 वीक के बाद ये 100 किलो की 12 होनी चाहिए, तो तभी रिजल्ट आएगा जब आप रेगुलर अपनी बॉडी को इसकी लिमिट्स के बाहर ले जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और सर नॉर्मली हफ्ते में अगर 2 बार कर सकते हैं चेस्ट, अगर पुल पुश कर रहे हैं तो 2 बार कर सकते हैं। आप डबल पार्टी करो, सिंगल पार्ट एडवांस एथलीट्स के लिए है, जो आज मसल ट्रेन करेंगे और 5 दिन तक मसल सोर रहता है उनके लिए, आपके लिए नहीं है। मैं भी डबल पार्टी प्रेफर करता हूँ, मेरे सभी एथलीट्स को भी डबल पार्ट कराता हूँ। और जैसे रीज़न यही है कि जब बात ज़्यादा करते हैं और चीज़ों में लग जाते हैं ना, तो डबल पार्ट करोगे ना 4 घंटे लग जाएंगे कंप्लीट करने में। हाँ, है ना सर, इतना लंबा ट्रेनिंग सेशन करने का कोई यूज नहीं है। आप जितना शॉर्ट रखेंगे, जितना इंटेंस रखेंगे, उतना ही आपको फ्रूटफुल होगा वो। तो ये थी भाइयों 5 बेस्ट एक्सरसाइज फॉर बिगर टाइटर और फुलर चेस्ट। अगला कौन सा बॉडी पार्ट होना चाहिए कमेंट में बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल द नोट पीस नहीं भाइयों, सब्सक्राइब कर दो भाई, बोले जरूरी है, लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो भाई। देखो बहुत सारे लोग हैं जिनको चेस्ट की वीडियो चाहिए, तो उनको वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर देना। और इंस्टाग्राम पे मेरे को और मुकेश सर को फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल द नोट पीस गेन्स।